Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में मैं पैरेलेक्स मेथड लेके आया हूँ, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलेक्स मेथड। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जिसमें कि हम बड़े पैमाने और छोटे पैमाने पे दूरियों को मेज़र करते हैं ना, डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में ही ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट देखा, जिसमें हमने बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मेज़र किया, है ना, बहुत ही छोटी सी छोटी दूरी को हमने मेज़र किया, है ना, ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट में। बट यहाँ पे क्या है, पैरेलेक्स मेथड में हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने पे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना। बड़े पैमाने पे हम दूरियों को मापने की कोशिश करेंगे, है ना, डिस्टेंसेस को मेज़र करेंगे बेसिकली। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बताता हूँ कि पैरेलेक्स मेथड होता क्या है। गाइज़ सिंपल सा मेथड ये है कि आप क्या करो कि किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, कोई एक कोई पेन ले लो, है ना, उसको अपने सामने रख लो और क्या करो कि अपनी एक आँख बंद करके दूसरी आँख से उसको देखोगे तो आपको फील होगा कि ये यहाँ पे है ना। फिर एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखोगे तो आपको फील होगा कि ये यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा आपको। सो गाइज इस पर्टिकुलर, मतलब यहाँ से आप बैठ करके देखोगे, तो कहने का मतलब ये है गाइज, यही क्या है, पैरालैक्स मेथड, है ना, यही क्या है, पैरालैक्स मेथड। ठीक है ना गाइज, तो हमें इसी मेथड को डिस्कस करना है। ठीक है गाइज, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे, ठीक है। तो गाइज हम इस मेथड में क्या सीखते हैं कि जो सन की डिस्टेंसेस होती हैं, अर्थ से बैठ करके हम सन सन के डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं कि सन यहाँ से कितना दूर है ना। हम मून के डिस्टेंस को भी मेज़र कर सकते हैं, साइंटिस्ट ने ऐसा हमें पैरालैक्स मेथड को सिखाया है बेसिकली। ओके, सो सी हम क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करेंगे, है ना, ये हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया जिसे हम एस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और ये दो पॉइंट्स हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ए पॉइंट और बी, ठीक है। हम इसे क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, हम ऐसे क्या किया, हमने मिला दिया। तो बेसिकली क्या है कि ये हमने मिला दिया, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से, है ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है और हमने क्या किया, किसी दो पॉइंट से ए और बी, है ना, दो डिफरेंट पॉइंट से हमने मेज़र किया, ठीक है ना। डिस्टेंसेस को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कंसिडर करता हूँ कि ये डी क्या है, डिस्टेंस है इनके इनके बीच के, है ना। मान लेते हैं ये कोई स्टार है और ये कोई पॉइंट है, हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं, और ये दूसरा पॉइंट है ना, और ये जो दोनों पॉइंट हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, हम स्मॉल डी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि जो डी है हमारा, कैपिटल डी, है ना, वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्टार है, डिस्टेंस ऑफ द स्टार है ना, क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्टार है। अच्छा, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी को बेसिकली हम बेसिस कहते हैं। अच्छा, बेसिस क्या होता है, तो गाइज इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज कॉल्ड बेसिस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। सो गाइज ए एंड बी पॉइंट क्या है, यहीं से हम क्या कर रहे हैं, दूरियों को माप रहे हैं, दूरियों को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है ना। यस, एंड जो मेरा थीटा है यहाँ पे गाइज, ये जो एंगल होगा ये थीटा कहलाएगा, है ना। थीटा क्या है, इसी को हम गाइज कहते हैं पैरेलैक्स एंगल, है ना, पैरेलैक्स एंगल। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो थीटा हम लेंगे हमेशा रेडियन में लेंगे, है ना, हमेशा आप इसे कंसिडर करोगे किसमें, रेडियन में, ठीक है। आप डिग्री में इसको कंसिडर मत करना, हमेशा किस में कंसिडर करोगे, रेडियन में। ओके, तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, जैसे कि ये एक सर्कल है ना, क्या है, ये एक सर्कल है और इसका ये रेडियस आर हो गया, है ना, और ये एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है ना, जिसको हम आर कहते हैं। सो गाइज एंगल बराबर आर का अपॉन रेडियस होता है ना, एंगल बराबर आर का अपॉन रेडियस होता है। तो गाइज ये आर्क लेंथ एल हो गया बाई आर, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये मेरा ये एंगल निकल के आया, ठीक है गाइज। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सी कहने का मतलब ये है, आपको भी पता होगा कि हम ये जो डिस्टेंसेज मेज़र कर रहे हैं बेसिकली हम अर्थ से ही करेंगे, है ना, किसी दूसरे प्लेनेट पे हम तो हम जाने वाले नहीं अभी, है ना, तो हम अर्थ से मेज़र करेंगे। सो गाइज अर्थ से हम मेज़र करेंगे किसी स्टार की डिस्टेंस। सो गाइज आपको भी पता है कि स्टार से हमारे अर्थ की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा है।
है ना। सो हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल डी होगा ये बहुत ही ज़्यादा होगा किससे, इसी स्मॉल डी से, है ना, जो बेसिस इसका डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि ए और बी जो पॉइंट है ये मतलब अर्थ से ही मेज़र किया गया है ना, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा ये हो गया। अच्छा आपको ये भी चीज़ दिख रहा होगा कि अगर डी बाई स्मॉल डी अगर हम लिखेंगे सो ये लेस देन वन होगा, है ना, डी बाई स्मॉल डी लेस देन वन होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फिर ये क्या होगा, थीटा वेरी स्मॉल, थीटा क्या होगा, वेरी स्मॉल, है ना, थीटा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, है ना, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये मेरा एक फॉर्मूला निकल के आया। गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सी होता क्या है कि जो ये आर्क लेंथ होती है ना, ये जो आर्क लेंथ है थीटा के बढ़ने के साथ ये आर्क भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है ना। सी प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है ये जो है एक तरीके से ये आर्क लेंथ है ना, ये क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है ना गाइज। सो कहने का मतलब ये है कि ये डी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये कैपिटल डी मैं कह रहा था ना, ये कैपिटल डी स्मॉल डी से क्या है, बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्या होगा, एंगल बहुत छोटा होगा। सो गाइज ये जो आर्क लेंथ है ये छोटा छोटा होकर के कुछ इस तरीके से और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, एंड फाइनली ये आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ये आर्क लेंथ कन्वर्ट हो जाएगा कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन में सिंपल सा, है ना। सो दैट्स वाई ए और बी के बीच की जो मतलब लंबाई रेखा है, लाइन है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज क्या होती, अगर अगर ये डी कम होता तो ये एक आर्क होती, है ना, चाप होता बेसिकली। ठीक है, सो ये बातें हैं, है ना। सो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आया वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। सो गाइज ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, पैरालैक्स मेथड, जिसमें कि हम ये जान पाए कि भाई ये हम इसका यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, सन से हमारे अर्थ के बीच की दूरी यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो गाइज अब हम देखेंगे कि ये जो मेरा कोई प्लैनेट है, कोई जैसे कि सन है या फिर मून है, तो हम उसके एंगुलर डायमीटर को कैसे मेज़र कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा कि अर्थ से सन की डिस्टेंस हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका डायमीटर कितना है बेसिकली, है ना। तो हमने ऐसा बना लिया है ना, ऐसा कंसिडर कर लिया, ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी और ये एक पॉइंट है, ऐसा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे क्या करेंगे, स्मॉल डी है और ये कैपिटल डी है, तो हम वही फिर से वही काम दोहराएंगे, है ना, सिंपल सा कि भाई जो कैपिटल डी है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है स्मॉल डी से, सो स्मॉल डी बाई डी लेस देन वन हो जाएगा, है ना। सो फिर हमारा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हमारा अल्फ़ा हो जाएगा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, सो गाइज इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, एंगुलर डायमीटर मेजर कर सकते हैं किसी भी प्लैनेट का, है ना। तो ये हो गया, है ना। और ये जो अल्फ़ा होना चाहिए वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, है ना। ये जो अल्फ़ा होना चाहिए वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है गाइज, ओके। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही होंगी, है ना गाइज, यही पैरेलेक्स मेथड है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको कुछ कन्वर्जन फॉर्मूले बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। सो सी गाइज जो 360 डिग्री होता है इसका मतलब होता है 2 पाई रेडियन, है ना, आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी। 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन। अच्छा 180 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 180 डिग्री का मतलब हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई रेडियन हो जाएगा। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, आई होप आपको पता होगा 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है गाइस। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, आई होप आपको दिख रहा होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। सो इसको सॉल्व करेंगे आप, सो आप पाएंगे 1.745 × 10⁻²⁻²² रेडियन, है ना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना, ये कन्वर्जन आप प्लीज़ याद रखिएगा। अच्छा अच्छा 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है गाइस, 1 डिग्री इज इक्वल टू गाइस 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना, 60 मिनट, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा
1.745 × 10⁻²² रेडियन है ना, मैं आर ई डी लिखता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि रेडियन है, ठीक है ना गाइस। ओके सो अच्छा एक मिनट इज इक्वल टू कितना होगा 1.745 × 10⁻²² बाई 60, ठीक है रेडियन है ना। सो गाइस ये एक मिनट बराबर होगा हमारा 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है। सो एक मिनट इज इक्वल टू 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन। सो गाइज आपको अगर क्वेश्चन में कहीं भी एक मिनट दिया हो तो आप इतना रेडियन फटाक से लिख सकते हो, है ना, नो प्रॉब्लम है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि गाइज एक मिनट बराबर इतना रेडियन, सो गाइज एक सेकेंड बराबर कितना होगा, इसको डबल टिक लगा लेना है ना, सेकेंड का है। सो 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन बाई 60, ये हमारा हो जाएगा क्या एक सेकेंड बराबर, है ना गाइज। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर भी होंगी। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे, या फिर अपनी कॉपी में आप इसको लिख लीजिएगा। ओके गाइज, ओके सो गाइज आपने ये सारी चीज़ें सीखी। ओके गाइज सो आप ये एक न्यूमेरिकल देखो है ना, जिसमें कि क्या है एक सन है ना, और ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है 1.6 × 10⁸ मीटर है ना, और ये एंगल की पैरेलेक्स एंगल कितना है 1° 30' है, ठीक है गाइज। तो हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे कि डिग्री को क्या करेंगे मिनट में कन्वर्स करेंगे, ठीक है, जो डिग्री है ना डिग्री को हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है गाइज। ओके सो हम करने वाले हैं, ओके गाइज सो पहले हम करेंगे ये थीटा एंगल जो है कितना है 1° 30' हम क्या करेंगे पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइज 1° = 60' होता है हमारा ना, तो 60 मिनट + 30 मिनट कितना हो जाएगा 90 मिनट, ठीक है 90 मिनट, अच्छा 90 मिनट हो गया। तो 90 मिनट को हम क्या करेंगे रेडियन में फटाक से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है गाइज। तो हमें मालूम है कि ये हमारा 90 मिनट है बेसिकली, ठीक है। सो हमारा होता है कि एक मिनट बराबर कितना होता है 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है गाइज। तो हम क्या करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 है ना इंटू 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन, है ना गाइज। ऐसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको बिल्कुल दिया रहेगा डिग्री में और मिनट में या फिर सेकंड में कुछ भी दिया रहेगा, तो पहले आप डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद मिनट से रेडियन में जाना। बहुत ही ईजी फॉर्मूला है कि एक मिनट बराबर 2.9 × 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है। सो आप वहाँ से सॉल्व कर लोगे। अच्छा ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। सो हमें कैपिटल डी चाहिए, सो स्मॉल डी बाई थीटा हो जाता है। तो स्मॉल डी कितना है, ये स्मॉल डी है हमारा 1.6 × 10⁸ मीटर अपॉन थीटा। थीटा कितना है गाइज 90 × 2.91 है ना, 10⁻⁴ कितना है −4 रेडियन, है ना। तो आप इसे सॉल्व करोगे बेसिकली, ठीक है ना, तो आप पाओगे क्या, यस आप इसको सॉल्व कर लेना, है ना।